यूपी के उन्नाव जिले के किसान अरविंद निषाद जी से प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो उन्होंने अरविंद निषाद जी जो हैं वो जैविक खेती करते हैं, तो मोदी जी ने उनसे पूछा कि आप जैविक खेती किस तरीके से करते हैं, तो अरविंद जी ने बताया कि हम जैविक खेती जीवामृत और घनजीवामृत की मदद से करते हैं। तो यदि आप जीवामृत और घनजीवामृत बनाना नहीं जानते हैं तो हमने वीडियो बना रखा है, आप देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस जो वीडियो आगे है मोदी जी और अरविंद निषाद जी के बीच हुए वार्तालाप को, उसको हम आगे आपको सुनाने वाले हैं। उन्नाव जिले के श्री अरविंद निषाद को आमंत्रित करूंगा, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा जी के 5 किलोमीटर दूरी तक की खेती को रसायन मुक्त कर जैविक बदला जा रहा है के लाभार्थी हैं, श्री अरविंद निषाद जी। अरविंद जी नमस्ते। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। अरविंद जी। जी सर। ये पीएम किसान सम्मान निधि का जी देश के छोटे किसानों को जी बहुत लाभ हो रहा है। जी सर। और मुझे बताया गया है कि आपके सामने भी कम जमीन की बहुत बड़ी समस्या थी। जी सर। अरविंद जी, आपने जैविक खेती की तरफ ही क्यों मुड़े और इससे आपके जीवन में क्या अंतर आया? जी सर, ग्रेजुएशन करने के बाद हमने अपनी खेती में कुछ नया करने के लिए सोचा था, तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा यात्रा चलाई जा रही थी, जिसमें हमने भाग लिया और आप भी माननीय अटल घाट पर आए हुए थे तब। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी का जो जैविक खेती का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें हमने भाग लिया और वहां से हमने प्रशिक्षण भी लिया सर। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम भी जैविक खेती करेंगे, तो हमने यूपी डास्प और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे हमने जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने हमको जीवामृत घन जीवामृत पंचगव्य आदि चीजें बनाना सिखाया और कैसे खेती की जाए ये सारी की सारी ट्रेनिंग दी। जिसके बाद हमने अपने गांव में क्लस्टर बना करके 20-20 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए, जिसमें और उन क्लस्टरों के सारे किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ अगर कोई जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको हमने अपने स्तर पर ट्रेनिंग दे करके जीवामृत घन जीवामृत बनाना सिखाया और आज सभी किसान हमारे जो किनारे के हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं वो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे क्या हुआ जी, सर? अरविंद जी। जी सर। आम तौर पर आप लोग कौन सी फसल उगा रहे हैं और नमामि गंगे योजना का उसमें कोई परिवर्तन आया, कोई विशेष फायदा हो रहा है आपको? नमस्कार, मैं विवेक उपाध्याय आप सभी के अंतरिक्ष खेती यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि अगर आपको जीवामृत और घन जीवामृत बनाना नहीं आता तो हमने अपने चैनल पर पहले से ही यह वीडियो बना रखा है कि आप कैसे अपने घर पर बहुत ही आसानी तरीके से जैविक खेती करने के लिए खाद बना पाएंगे। तो आपको यहाँ पर आई बटन का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा या फिर हम आपको इस वीडियो के लास्ट में उसका वीडियो दे देंगे, आप वहां से देख पाएंगे। यदि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमको हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग खेती पर जाकर विजिट करिए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को चलिए पूरा देखते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी सर, खासतौर पर हमारे यहाँ काला नमक चावल, मक्का और ये आलू गेहूँ की फसलें होती हैं, जिसमें क्या है कि हमने एक FPO भी बनाया हुआ है जिसमें हम पैकेजिंग करते हैं ग्रेडिंग करा करके और उसकी ब्रांडिंग होती है। क्या क्या भरा है उसमें, क्या भरा है? सर मूंगफली है। अच्छा जी सर। एक सुझाव दूं अरविंद जी। जी सर। ये धीरे धीरे ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग करते हैं ना उसके बजाय जो आजकल अलग बहुत सी चीजें आती हैं जो डिग्रेडेबल होती है, तो क्या होगा ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो मूल भावना है उसको भी आप बल दे पाएंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि दूर सुदूर इस प्रकार से उन्नाव में आप पैकेजिंग करके उस पर ब्रांडिंग करके आप अपनी जैविक चीजें बेच रहे हैं। हाँ, आगे बताइए। जी सर, इससे क्या लाभ हुआ है कि जो पहले जो विष युक्त खेती होती थी
उससे बीमारियां अधिक बढ़ती थी, और जो हम रसायन का प्रयोग करते थे वो सीधे जब बरसात होती थी तो बरसात के पानी के माध्यम से गंगा जी में मैया में पूरा पूरा जो जहर था वो चला जाता था। तो आज हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि जो जहर है वो हमारे गंगा मैया में नहीं जा रहा है और हमारी गंगा मैया का जो स्वास्थ्य है वो सही चल रहा है सर। अरविंद जी, जी सर, मुझे खुशी हुई कि आप पढ़ाई करने के बाद जी नौकरी की तलाश करने के बजाय सीमित जमीन होने के बावजूद भी ये नए तौर तरीकों से आपने इतनी बड़ा हौसला बुलंद किया, इतनी व्यवस्था खड़ी कर दी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं, आप सबको ये चीज में जोड़ रहे हैं, जी जी सबको सिखा रहे हैं। ये मैं सचमुच में आपकी बातें, आपका अनुभव सभी किसानों को प्रेरित करे ऐसी ताकत रखता है। अपनी आजीविका के साथ ही आप माँ गंगा के प्रति भी दायित्व को समझ रहे हैं, और कोई भी केमिकल का बहाव गंगा की तरफ न हो जाए, ये भी ये जैविक खेती के कारण संभव हुआ है। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी, नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप उस लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।